सो आज का वर्कआउट जो है वो चेस्ट का है और उसके साथ ट्राइसेप का है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, वीडियो पे बने रहिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वर्कआउट रिलेटेड वीडियोस आएगा। हेलो एवरीवन, इट्स मी मुकेश शर्मा। सो ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल, आज जिम का ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। सो बैग रेडी, निकलता हूँ जिम के लिए। बाइक स्टार्ट करके मैं निकल गया जिम के लिए और जिम आता हूँ तो देखता हूँ जिम में वर्कआउट सब कर रहे हैं। सो अच्छा है। सो निंजा टेक्निक से ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के बाद थोड़ा वार्म अप करना स्टार्ट करता हूँ। सो वीडियो थोड़ा फास्ट है, बट इतना फास्ट मैं किया नहीं हूँ एक्सरसाइज। सो आप लोग अगर करेंगे तो स्लो ही करिएगा, स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लेता हूँ। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो जिम में डायरेक्ट जाके डंबल उठाते हैं या फिर कुछ भी वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं तो बोलूँगा आप लोग आके पहले थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लिया करिएगा, थोड़ा वार्म अप कर लिया करिएगा। इससे क्या इंजरी नहीं होता है बॉडी में। सो ये एक्सरसाइज होने के बाद मैं पुशअप्स मारता हूँ, वाइड ग्रिप पुशअप्स। सो आप देख सकते हैं ये भी फास्ट किया गया है। वन सेट मारता हूँ चेस्ट के लिए, चेस्ट का वर्कआउट है इसलिए 40-50 जो भी होता है एक सेट में मारा। उसके बाद चेस्ट का फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वैसे जो भी हो जिम आने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एक और इसको अल्टरनेट करके मैं करता हूँ चेस्ट का, एक वो सेट एक ये सेट, तीन तीन सेट दोनों का करने के बाद बेंच प्रेस स्टार्ट करता हूँ चेस्ट के लिए। ये हमारे ट्रेनर है जिम के। सो मज़ा आ गया करके। उसके बाद ये लास्ट सेट कर रहा हूँ। वो जो बेंच प्रेस था वो 17.5-17.5 दो तरफ लगा के कर रहा था और इसके साथ ये एक अल्टरनेट कर रहा था। उसके बाद देखता हूँ मिरर में। सो बाइसेप्स थोड़े थोड़े पंप लग रहे थे। उसके बाद चेस्ट का एक और वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ जो कि ट्रेनर थोड़ा हेल्प करते हैं बैलेंस के लिए। आप देख सकते हैं चेस्ट वर्कआउट के दिन तो मज़ा ही अलग रहता है। चेस्ट वर्कआउट, बाइसेप वर्कआउट, बैक वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट, बट लेग वर्कआउट के लिए एकदम नहीं। थोड़ा सा फ्लैक्स करता हूँ बॉडी को, थोड़ा टाइट हुआ है चेस्ट। उसके बाद एक और चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। सबके तीन तीन सेट करके मारता हूँ। स्टार्टिंग में अल्टरनेट करके मार रहा था, ये एक लास्ट सेट है देख सकते हैं आप। इसके बाद मैं ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। ये ट्राइसेप्स के दो सेट मारने के बाद ये मैं तीसरा नंबर जो सेट है वो मार रहा हूँ जो कि 40 का वेट है। उसके बाद ये ड्रॉप सेट है जिसको बोलते हैं, 40 फिर 30 फिर 20 ऐसा करके मारूँगा। तो पहला 40 से मारा 10, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा 35 से 10 मारूँगा। ट्राइसेप अच्छा पंप होते हैं इससे। 10 सेट मारने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा 30 से फिर 10 सेट। तीस से मारने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा 25 से, और ये कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं वीडियो को, इसमें कोई कट करके पेस्ट नहीं किया गया है, ये कंटिन्यूसली मार रहा हूँ। पहले 40 से, उसके बाद 35 से, उसके बाद 30 से, अब जो है वो है 25 से। अब हल्का हो गया बट ट्राइसेप में अभी भी बहुत प्रेशर है। अरे छोटू बार बार वीडियो में आ जा रहा था वीडियो को ख़राब करने के लिए, ट्रेनर के पास आके पूछ रहा था सर मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। और ये जो लास्ट सेट है ये जो मारने वाला हूँ ये 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 15 वेट से स्टार्ट किया, 15 से कंटिन्यू, कम से कम मैं 30 मार दिया। मज़ा आ गया ट्राइसेप मार के। ये सेट, ये ड्रॉप सेट था, बहुत इंटरेस्टिंग सेट है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं 50 से स्टार्ट करूँगा या फिर 60 से स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें वेट नहीं दिखाया, नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट
वीडियो जो है उसमें मैं वेट दिखाऊंगा। आप शॉर्ट्स वीडियो भी है यूट्यूब पे, वो भी जाके देख सकते हैं। वो भी वर्कआउट दो तीन वीडियो होगा वर्कआउट रिलेटेड। मज़ा आ गया ट्राइसेप का सेट कंप्लीट करके। उसके बाद आप देख सकते हैं और हमारे फेवरेट 1 2 3 4 5 6 जय बजरंगबली। सो कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा अगर आप लोग जब बजरंगबली के भक्त हैं। तो एक और ट्राइसेप का सेट मैं स्टार्ट किया, इसमें भी अच्छा पंप होता है ट्राइसेप, देख सकते हैं आप वीडियो। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा था क्योंकि जिम में बहुत सॉन्ग्स चलते हैं, उसमें वॉइस वीडियो में डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब बैकग्राउंड नॉइज बहुत आता है उसमें। सो ट्राइसेप कंप्लीट करने के बाद मैं डायमंड पुशअप्स मारता हूँ, जो कि एक बात है, आप ट्राइसेप का वर्कआउट करने के बाद जब डायमंड पुशअप मारेंगे ना तो आपका हाथ पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब डायमंड पुशअप जब मैं स्टार्टिंग में मारता था तो मेरे एकदम नहीं होते थे, मतलब 2-3 होने के बाद मैं गिर जाता था। अभी कम से कम 15-20 मार देता हूँ, 3 सेट 15-20 के 3 सेट मार देता हूँ, मज़ा आता है ट्राइसेप। अभी पावर आ गया हाथ में थोड़ा थोड़ा। सो आप देख सकते हैं मज़ा आ गया आज का वर्कआउट करके। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बैक के ऊपर होगा, बैक लेट्स के ऊपर होगा बैक वर्कआउट। सो चलते हैं जिम कंप्लीट, वर्कआउट कंप्लीट, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सो निंजा टेक्निक से फिर से मैं अपना ड्रेस चेंज करने वाला हूँ। पहले बाइसेप्स देख लीजिए, उसके बाद 1 2 3 चलो चेंज हो गया निंजा टेक्निक से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो।